हेलो ऑनऑल, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज हम बनाएंगे एक हेल्दी हेल्दी फूड साबूदाने की खिचड़ी। ये हमारा साबूदाना भिगो के रखा हुआ था सुबह से। ये रहा धनिया, आलू, मूंगफली कुटी हुई और हरी मिर्ची। इसके साथ हम बनाएंगे साबूदाने की खिचड़ी। ये साबूदाना हमने करीब भिगो के रखा 5-6 घंटे। इसमें डाल दिया नमक एक छोटा चम्मच और इसमें अब हम डालेंगे काली मिर्च कुटी हुई, ये डाल दी हमने। अब इसके बाद में हम इसे अच्छे से करेंगे मिक्स। ये थोड़ा गीला है तो आराम से मिक्स हो जाएगा। वैसे भी साबूदाना को भिगो कर रखना पड़ता है तभी वो इजीली बनता है। ये सब हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद में हम रख लेंगे पैन। पैन में डाल दिया हमने ज़ीरा। ये देखिए ज़ीरा भुनना शुरू हो गया गर्म तेल के अंदर। इसमें डाल दिया हमने 2-3 काली मिर्च। अब इसमें डाल देंगे हम आलू। आलू भूनने के लिए शैलो फ्राई करेंगे इस तेल के अंदर और आलू हो जाएंगे कुरमुरे से, बड़े स्वाद स्वाद हो जाते हैं करने के बाद। वैसे मतलब साबूदाना नहीं भीगा हो तो आलू ऐसे भून के खुद ही निकाल के खा लो फटाफट से, किसी को पता थोड़ा लग रहा है। खैर पूरा देखिएगा वीडियो को, साबूदाना खिचड़ी बड़ी स्वाद बनी है, हमारे आलू भून गए हैं। और चैनल को लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो, मज़ा आएगा। मतलब और नई नई रेसिपी लेकर आएंगे आप लोगों का, मज़ा आएगा। ये हमने हरी मिर्च डाल दी है, इसको अच्छे से हमने मिक्स कर दिया। देखो ये हो गई अच्छे से मिक्स, ये रहा हमारा साबूदाना। अब इसमें डाल दिया हमने कुटी हुई मूंगफली। अब इस कुटी हुई मूंगफली जो मतलब हमने भून के रखी थी ये, इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया इसके अंदर। और ये देखो ये ऐसे मिक्स हो गया और बहुत इजी है। मतलब देखो अगर महाराष्ट्र वगैरह जाओ या कर्नाटक जाओ तो आपको नाश्ते में मिल जाता है, स्टेपल फूड और बहुत हेल्दी होता है खाने में। ये हमारे आलू और ये देखो आलू के अंदर हम डाल देंगे अपना साबूदाना और ये गया अच्छे। देखो हमें कुछ डालने की ज़रूरत है, नमक मिर्च में कुछ डालता नहीं है, वो हमने पहले मिक्स कर दिया है। तो बहुत ही ईजी रेसिपी है। जिम से आओ तो खा लो, वर्कआउट करना तो खा लो, डाइटिंग जा रहे हो तो खा लो और कभी भी खा लो, शाम को चाय के साथ खा लो। ये डाल दिया धनिया, बहुत ही यम्मी होती है, बहुत ही इजी होती है, बहुत ही हेल्दी होता है साबूदाना। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बताएं हमें कमेंट्स में लिख के कि आपको हमारी रेसिपीज कैसी लगती हैं। इजी रेसिपी है, बहुत सारे मसाले हम लोग यूज़ नहीं करते, बहुत तामझाम हम लोग यूज़ नहीं करते, सिंपल सी रेसिपी बनाते हैं जो आमतौर पर घर में अवेलेबल होती हैं चीज़ें, उन्हीं से हम लोग अच्छी अच्छी स्वाद स्वाद सी सुंदर सी दिखने वाली रेसिपीज़ बनाते हैं। और आप लोगों का सपोर्ट है कि आप लोग देख रहे हो, लेकिन कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लग रहा है। ये हमारी साबूदाने की खिचड़ी तैयार हो गई है, अभी इसे हम सर्व करेंगे बॉल के अंदर। ये रहा हमारा बॉल, ये हमने काला चावल वाले स्पून के साथ ये हमने बोल में डाल दिया है। इसको देखिए, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। आप भी बनाइए, खाइए और हमको बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। ये हमारा साबूदाने की खिचड़ी, ये डाल दिया ऊपर गार्निश के लिए धनिया। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वापस आएँ फिर से और वीडियोज़ देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। और